हमारे इधर दो दिन के बाद पानी आता है और वो भी एक घंटा रहता है, कभी कभी आधा घंटा पानी मिलता है, कभी पूरा भी पानी नहीं मिलता हम लोग को। इधर रात को कभी 12 बजे पानी आता है, कभी 1 बजे 2 बजे, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी पाइप से भरते, कभी पानी प्रेशर नहीं होगा तो ऐसे डब्बे से भरते हम लोग पानी। आप लोग को बीएमसी का पानी कब से शुरू हुआ? एक साल हो गया रही। उसके पहले कुछ नहीं था? नहीं, ये कुएं का पानी हम लोग लेके आते थे, सिर पे हंडा लेके आते थे, ओपन चार चार पाँच पाँच दिन में पानी आता है। रात को कर पानी भरने का, सुबह उनका टिफिन देने का, और 2-1 बजे में काम पे जाते हैं। कितने बजे आता है पानी? पानी का ठिकाना नहीं रहता, रात को 2 बजे आता है, 3 बजे आता है ऐसे। और कितने बजे तक आता है? वो तो 4 बजे तक रखता है, कभी आता है पर नहीं पानी। एक तो पानी बोरिंग का, बावड़ी का है, कुएं बोलते है ना उसका पानी, और बीएमसी का पानी 4 दिन के बाद आता है। और वो कितने बजे आता है? वो उसका अपन ठिकाना नहीं रहता, कोई कोई रात भर जगा रहते हैं उधर। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पानी आया है? और जब भी नल चालू करते ना तभी मालूम पड़ता, नहीं तो पानी वाला आके बता के जाता है। अच्छा, तो 2 बजे ऐसे तो आप लोग सोते रहते होगे ना? किसको किसको फोन करके बताता, बाबा मैंने अभी पानी चालू किया तो तुम लोग भरो करके, ऐसा बताते तभी फिर पब्लिक उठ के पानी भरते। और 2 घंटे में आप कितना भर पाते हैं? 2 घंटे में हम लोग का इतना पानी होता है बस। तो ये बस पड़ता है? अभी उसमें हम लोग करना पड़ता है ना, क्योंकि इतना पानी आता है नहीं, कुछ नहीं, इसके लिए इतने में गुजारा करता है। 2-2 दिन के बाद कपड़ा धोते हम लोग। और पीने का पानी? पीने का पानी वही कुएं का हम लोग पानी पीते, आधा किलो चावल डालती है तो इसमें इतना टोक, आधा टोक पानी चढ़ाती मैं। क्यों? और इतने में अपन देखते है ना होता है क्या नहीं करके, पानी की बहुत दिक्कत रहता है, कम कर गिरता है तो फिर वापस हम लोग डालते पानी उसमें। एवढं पानी वाचवायचं असलं तर व्यवस्थित वाचवा, आणि जास्त पाण्याचा खप करू नका। या आम्ही पाण्याचं टेन्शन घेत आहोत, आम्हाला माहिती आहे कसं पाणी भेटतं आणि कसं नाही भेटत। सो संडे मिडडे अँड रेडिओ सिटी हॅज स्टार्टेड दिस ग्रेट इनिशिएटिव्ह। Every Sunday, don't shower, use a bucket. Save that one day of the week where you don't waste water by showering with an overhead shower and instead use a bucket. You will be saving approximately 7 buckets of water if you do that. It's a no-brainer. Go for it. Aise pani bachta hai. Come on, let's be a part of the change that we want to see.